आयात निर्यात हम वस्तुओं का तो देखते हैं, पर गधों का निर्यात हमने शायद ही देखा होगा। पर एक देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक गधों के निर्यात पर निर्भर है। देखिए आप पाकिस्तान की गजब उपलब्धि, गधों की वहाँ तादाद बढ़ती जा रही है और वहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं गधे, और वहाँ से कमाई की जा रही है। कौन से देश को गधे निर्यात किए जा रहे हैं आप बताइए जरा। अच्छा ये देखिए, ऐसे कार्टून भी बन रहे हैं, इसमें गधे क्या लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे भरोसे पर है। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तानी गधे से चीन होगा मालामाल, गधे लगाएंगे पाकिस्तान का बेड़ा पार। ठीक है। अच्छा एक और स्लोगन देखिए, अब गधों के हाथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। ठीक है। अच्छा बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जिनके बीच शहबाज शरीफ और सी जिनपिंग के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो गधों का निर्यात करेंगे, पाकिस्तान के बेरोजगार गधे। ठीक है। काफ़ी सारा ये गधे वहाँ से भेजे जाएंगे चीन के अंदर। ऐसी काफ़ी सारी खबरें आपने देखी होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तानी गधे पर ही चीन निर्भर क्यों है। ठीक है। इसका कारण ये कि एक तो पाकिस्तान में गधों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्योंकि उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत है तो बाकायदा वहाँ पे फार्म बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े। एक तो 300 एकड़ का फार्म वहाँ पाकिस्तानी पंजाब में बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ गधों को पाला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। और अफ्रीका से गधे पहले चीन में लाए जाते थे, तो वहाँ पर संख्या बहुत कम हो गई है, गधे ख़त्म होते जा रहे हैं अफ्रीका में क्योंकि बहुत ज़्यादा आयात चीन करता आ रहा था। अच्छा गधे चाहिए क्यों? कहते हैं कि गधे, वैसे तो आपको पता ही है ना कि गधा बहुत मजबूत होता है, और किसी की चमड़ी पे कोई चोट लग जाए गांव में और वो चोट ठीक जल्दी हो जाती तो लोग अक्सर कहते थे यार इसकी चमड़ी तो बिल्कुल गधे जैसी है, चमड़ा इसका गधे जैसी, खाल है इसकी। उसकी जो खाल होती है ना उसमें एक जिलेटिन नामक तत्व होता है, और उससे क्या होता है कि उससे चाइना में एक देसी दवा बनाई जाती है। वो क्या काम आती है? वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता वो बढ़ा देती है। इसी वजह से वो ज़्यादा, आपको पता होगा कि एलोपैथी और इन सब में जो पश्चिमीकरण हम अंधाधुंध अपनाते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को छोड़कर, उनकी संस्कृति चाहे वो वेशभूषा की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, हर चीज़ कि वो वहाँ की है तो ठीक है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है तो ठीक है, सब कुछ वहाँ की भाषा है तो ठीक। चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन की अपनी भाषा, चीनी भाषा जो है उसमें वो सब कुछ काम वहाँ का ऑफिशियली होता है। उनकी अपनी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा तो लगभग लगभग इंग्लिश बन गई है। हमारी वेशभूषा हम वहाँ के अपनाते जा रहे हैं, इंडियन वेशभूषा को देख कर तो बड़ा नाक सिकोड़ेंगे लोग, ही खुद भी कैसी धोती कुर्ता में घूम रहा है ये। अच्छा दवाइयों के मामले में हमारा आयुर्वेदा लगभग आप पता ही किनारे पर लगा दिया, एलोपैथी पर निर्भर है चाहे कितने ही नुकसान हो। यहाँ पर अभी भी पारंपरिक जो पद्धतियाँ हैं उनको अपनाते हैं लोग, और वो दवा अलग अलग तरह की ऐसी बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो कब पड़ी थी? 2019 में ये मामला आया था। एक्चुअली क्या था, 2019 में आपका कोरोना आ गया था, और कोरोना में आपको पता ही है कि लोगों को ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत थी जो कोरोना से निजात दिला सके, पर एकदम से बनाना पॉसिबल नहीं था। तो उसमें कोरोना क्या इफेक्ट डालता है, आप पे बहुत सारे रोग अपने आप होने लगते हैं। उस टाइम बंदे को चाहिए इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो वो फिर झेल पाए जाएगा वो, क्योंकि कोरोना थोड़े दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। बात यह है कि उतने दिन तक आप जिंदा रह पाओ, बस इतनी ही बात थी उसकी। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वहाँ पे इन्होंने गधे और कुत्ते जो हैं पाकिस्तान से मंगवाने स्टार्ट कर दिए थे 2019 से भी, और 2022 के बाद तो इनका एक ब्रीफिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा निर्यात इनका होने लगा था। पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें ओकारा जिला है, उसमें 300 एकड़ का एक फार्म बाकायदा बनाया गया ताकि गधों को ज़्यादा से ज़्यादा पाल के वहाँ से निर्यात किया जा सके और आर्थिक हालात जो हैं वो थोड़े से बेटर बनाए जा सके। ठीक है। ऐसी ही जानकारी बेटा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इंटरेस्टिंग जो खबरें आती हैं उसको आप टेक्निकल टर्म में भी देख पाएँ कि ये निर्यात हो तो रहा है, सुना था कि गधे क्यों भेजे जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसके लिए आप नोटबुक अकेडमी, जो कि हम व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल 3 जगह उपलब्ध हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बेटा, फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यूज़ और लेकर।